हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति, 5 महासंयोग। एक उपाय, छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। मकर संक्रांति देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाने वाला पर्व है। यह साल का पहला पर्व है। ज्योतिष में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो सूर्यदेव हर एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में विचरण करते हैं, लेकिन जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस साल मकर संक्रांति पर कई शुभ योग बनेंगे और इस दिन से खरमास भी समाप्त हो जाएगा। आज हम आपको मकर संक्रांति पर बन रहे शुभ योगों में किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त 2023। पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदयातिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का क्षण रहेगा 14 जनवरी रात्रि 8:57 पर। संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त होगा 15 जनवरी प्रातःकाल 6:37 से शाम 6:17 तक। संक्रांति महापुण्यकाल मुहूर्त होगा 15 जनवरी प्रातःकाल 6:37 से प्रातःकाल 8:33 तक। मकर संक्रांति शुभ योग 2023। साल 2023 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। साथ ही मकर संक्रांति पर कई सालों बाद सूर्य, शनि और शुक्र मकर राशि में रहेंगे, जिससे कि त्रिग्रही योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इसी दिन चित्रा नक्षत्र, शश योग, सुकर्मा योग, वाशी योग, सुनफा योग और बालवकरण योग रहेंगे। माना जाता है कि इन शुभ योगों में किए गए कार्यों और दान पुण्य से जातक की किस्मत चमक सकती है। मकर संक्रांति पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, तालाब या शुद्ध जलाशय में स्नान करें या फिर घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उन्हें जल का अर्घ दें। इसके बाद ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को अपनी इच्छा अनुसार दान करें। दान में इस दिन विशेष रूप से आटा, दाल, चावल, खिचड़ी, वस्त्र, गुड़, घी और तिल के लड्डू या तिल का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति उपाय। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति विशेष लाभकारी होती है क्योंकि यह पर्व सूर्य से जुड़ा है और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा के साथ साथ भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन 11 पीली कौड़ियों की पूजा कर उन्हें पीले रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखने पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज के दिन भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से घर की सुख शांति और धन धान्य में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन पीपल, तुलसी जी और वट वृक्ष को जल देना शुभ माना जाता है। कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत करने के लिए तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, गुलाब का फूल डालकर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान सूर्य को गुड़, तिल, खिचड़ी का भोग लगाने से मनोकामना पूरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।